हेलो स्टूडेंट्स, तो दोबारा आ गया मैं आपके सामने डी मॉर्गन्स थ्योरम का, डी मॉर्गन्स लॉ, आई एम सॉरी, डी मॉर्गन्स थ्योरम नहीं है, डी मॉर्गन्स लॉ का मैं एक और प्रूफ लेके। इस प्रूफ में हम लोग इस बारी एलिमेंट्स नहीं यूज करने वाले, हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स यूज करेंगे, ठीक है। तो मैंने, जैसे आप लोग देख सकते हो कि डी मॉर्गन्स लॉ इज ऑलरेडी रिटन ऑन द बोर्ड, विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन इज इंटरसेक्शन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स, and when we go for complement of intersection, it is union of the complements. The statement is already written. मैं इनमें से किसी एक का proof जो है वो आप लोगों को बताऊंगा. But before that, let me discuss few of the properties जो हम लोग already पढ़ चुके हैं. उनमें से कुछ properties के अंदर आपको बता दूं. एक हमारे पास थी identity law, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि union with null set करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, intersection with universal set करें तो भी same रहता है. And when we say a set and its complement, इसका intersection होता है nothing, null set, and a complement with the set A, the union will give you universal set. ये दो law हम लोग जानते हैं. इनमें से ये जो पहला वाला है, इसे हम लोग identity के नाम से जानते हैं, और ये था inverse. ठीक है, identity law, inverse law भी कह सकते हैं, identity property and inverse property भी कह सकते हैं. अब आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, ये क्या कहते हैं, इसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये कहता है अगर कोई दो सेट, अब मैं इसको इसकी अदर लैंग्वेज, द अदर वे टू अंडरस्टैंड दिस, ये ध्यान देना. हम कहते हैं एक सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का नाम नहीं पता, मान लो वो बी है. अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर ए और बी सेट के अंदर कॉमन कुछ भी नहीं है और दोनों का यूनियन बनाने से यूनिवर्सल सेट आता है. ध्यान दें, दो सेट जिनको इंटरसेक्शन, जिनमें कॉमन कुछ भी ना हो और जिनको जोड़ दे तो यूनिवर्सल सेट होता है, वो जरूर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं. यानी ये स्टेटमेंट से क्या सिद्ध होता है कि ए का कॉम्प्लीमेंट बी होगा या बी का कॉम्प्लीमेंट ए होगा. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रूफ ऑल्सो, ठीक है. इस प्रूफ का हम लोग यहां यूज लेने वाले हैं. तो डियर स्टूडेंट, मैं पहला वाला ले रहा हूं. मेरे पास है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश. तो मैं काम करने वाला हूं, ये जो बीच का लिखा हुआ है ना, ये वाला फॉर्मेट, इसको अगर हम लोग एक्स मान लें और इस पूरे को वाई मान लिया जाए, तो ये क्या बता रहा है आपको, एक्स डैश को वाई प्रूफ करना है. अब आप जानते हो एक्स डैश को वाई प्रूफ करना है, तो वी हैव टू प्रूव, यानी देता हूं, टू प्रूव दिस वी हैव टू प्रूव एक्स इंटरसेक्शन वाई इज नथिंग एंड एक्स यूनियन वाई इज यूनिवर्सल सेट. अब इसको मैं यहां हाईलाइट करके लिख देता हूं, आप लोग चेक कर सकते हो मैंने एक्स क्या माना था. तो मैं पहले लूंगा एक्स, दैट इज, आप जानते हो मैंने किसको एक्स माना था, वाई, ये है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश. हम इनका इंटरसेक्शन लेने वाले हैं, इंटरसेक्शन. अब इसके अगर इंटरसेक्शन नल सेट आ गया तो अपना काम हो जाएगा. तो एक बार इसका इंटरसेक्शन लेते हैं. इंटरसेक्शन लेने के लिए आप लोग देख सकते हो हमारे पास एक प्रॉपर्टी और थी जिसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अब डिस्ट्रीब्यूटिव क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव था यूनियन बाहर अंदर इंटरसेक्शन, तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा हमें. यानी ये होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, क्लियर. अब ये जो पार्ट है हमारे पास, आप चेक कर सकते हो कि ये जो हम लोगों ने एक्स और वाई को हम लोग इसका इंटरसेक्शन चेक करते हैं. अब हमारे पास इंटरसेक्शन को, इंटरसेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट तो हो नहीं सकता, तो हम लोग ये वाले पूरे बॉक्स को इधर डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं. सो दिस विल बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश. आप चेक कर सकते हो क्या किया मैंने, अभी पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया है, मैं ऐसे आपको लिख के दिखा देता हूं. Then again it is union, it is B intersection A dash intersection B dash. Clear? क्योंकि ये same अपने पास same intersection है, same operation है, तो bracket नहीं भी लगाओगे तो चलेगा. तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसका bracket open कर दिया. ये हो जाएगा A intersection A dash intersection B dash, यानी कि dash B dash बोल तो रहा हूं, B dash ये complement है. ये हो जाएगा B intersection. अब यहां पे आप एक कॉम्यूटेटिव लॉ अप्लाई कर सकते हो. कॉम्यूटेटिव लॉ के बारे में आप लोग जानते हो,
कि अगर वो ए इंटरसेक्शन बी है तो कैन बी रिटन एज बी इंटरसेक्शन ए. सो दिस इज कॉम्यूटेटिव लॉ. सो व्हेन वी अप्लाई दिस कॉम्यूटेटिव लॉ तो यू विल बी राइटिंग दिस पार्ट एज बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश. नाउ यू कैन सी दिस टू दिस अप्लाइंग इनवर्स वी कैन राइट दिस पार्ट एज नल सेट विद बी कॉम्प्लीमेंट एंड अगेन इट इज null set with a complement and the property that null set is not having anything common with any of the set. So again it will be a null set union null set which will give you a null set. First phase. Second phase I have to prove ki ka union. Union matlab aur main second part le raha hu. To maine kya kiya a union b ka union liya with a complement intersection b complement. Again with the same concept ki hum jab distribution karte hain तो हम लोग डिफरेंट ऑपरेशन को ही करते हैं. यहां पे यूनियन है इधर भी यूनियन है. सो आई विल बी टेकिंग दिस सेट एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ओवर दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट. सो क्या आएगा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ए यूनियन बी यूनियन ए डैश. आप चेक कर सकते हो बीच में आ जाएगा इंटरसेक्शन. ये हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन विद कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी. मैं अगर बी डैश को बी बोल रहा हूं और बी डैश बोलो या बी कॉम्प्लीमेंट बोलो मीनिंग दोनों का सेम है बेटा. एक्चुअली ये प्राइम फॉर्मेट होता है. तो ये जो है आप लोग अगेन वी विल बी अप्लाइंग कॉम्यूटेटिव लॉ. इस ब्रैकेट में कॉम्यूटेटिव लॉ अप्लाई कर दो. ये हो जाएगा बी यूनियन ए यूनियन ए डैश. दिस इज ए यूनियन बी यूनियन बी डैश. सो व्हाट यू विल बी गोइंग टू गेट ये देखिए फिर से हमारे पास वो दो लॉ लग रहे हैं. सेकंड वाला पार्ट एक सेट और उसकी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन होता है यूनिवर्सल सेट. तो बी यूनियन यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए यूनियन यूनिवर्सल सेट. हो गया. अब ये क्या होता है यूनिवर्सल सेट के साथ किसी को भी जोड़ दोगे तो यूनिवर्सल ही रहेगा वो. यूनिवर्सल सेट वी आर हैविंग यूनिवर्सल सेट. आई होप दिस यू हैव अंडरस्टूड दैट फ्रॉम वन एंड टू एज दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज ऑलरेडी रिटन. सो फ्रॉम वन एंड टू हम लोग कह सकते हैं कि ए यूनियन बी ही इसका कॉम्प्लीमेंट करो तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बनता है. दूसरा फेज भी अप्लाई कर सकते हो. इसी तरीके से यू हैव टू डू द सेकंड पार्ट आल्सो. चेक करना सेकंड वाले को भी ट्राई करके देखिए. तो अगर देखना चाहते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा मैं. अदरवाइज आई थिंक फर्स्ट पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर. सो वॉच द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो.